खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अजीत पवार अभी बोल रहे हैं, इसीलिए कुछ भी डिसीजन जब होता है तो साथ साथ लेना चाहिए। इसीलिए पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं। और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। जो भी डिसीजन होगा वो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो होना चाहिए गवर्नमेंट में, खाली एक ने डिसीजन होके कुछ होने वाला नहीं है। हम टोटल पकड़ के 100 लोग है और MLAs है, और उसके बारे में हमने सब बातें की, लेकिन आप जो सवाल पूछते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आप सबने देखा कि सुबह 10 बजे से शाम को 7:30 बजे तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब, जयंत राव, छगन भुजबल साहब, तटकरे जी, धनंजय मुंडे जी, सब हम, प्रफुल्ल पटेल जी, हम वहाँ वो लेटर की राह देख रहे थे। सुबह हमें बताया कि सुबह की मीटिंग होने के बाद मिलेगा, फिर उसके बाद बताया कि 4 बजे वापस मीटिंग है, फिर 4 बजे की मीटिंग के बाद पता चला कि थोड़ा देर हो रही है, फिर उसके बाद 7:30 का वो टाइम था क्योंकि कल 7:30 बजे तक ही उनको लेटर देना था, तब तक लेटर उनका आया नहीं। तो उनका लेटर नहीं मिल रहा है तो हम अकेले कैसे दे सकते, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, और जो भी डिसीजन हो दोनों ने साथ मिलके ही लेना चाहिए। मी आपल्याला सांगतो, आम्ही लेटर द्यायचा, आम्ही तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, आम्ही आदल्या दिवशी देखील लेटर म्हणजे चर्चा करायला तयार होतो। काय झालं, त्यांची सगळी लोक जयपूरला, आम्ही मुंबईमध्ये, त्यांचे वरिष्ठ नेते दिल्लीला, असं सगळं झाल्यामुळं इथं जर सगळे लोक असते तर त्याबद्दल उनकी डिसिजन दिल्ली में होनी थी। विनंती केलेले की तुम्ही लवकरात लवकर और हमने कर रिक्वेस्ट की लवकरात लवकर भी आप चिट्ठी भेज दीजिए समर्थन की, ताकि सरकार बनने की अशा प्रकारचा प्रोसेस चालू हो। काल गव्हर्नर साहेबांनी आम्हाला पत्र दिलं, त्याच्यामध्ये देखील आम्ही असं त्या ठिकाणी सांगतोय की आम्ही एकटं काही करू शकत नाही। गव्हर्नरने हमको पत्र दिया आहे, बुलाया है, लेकिन हमने भी बड़ा क्लियर कर दिया की हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक सेना और कांग्रेस साथ में नहीं है, निर्णय आम्हाला घेता येत नाही, हम अकेले निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। सर, 2 दिवसाचा वेळ मागितला आहे का? बिल्कुल नहीं, पवार साहब को उन्होंने फोन करके चर्चा करायला दिल्लीला, दिल्ली मध्ये आपण साहेबांना त्यांनी विचारलं मुंबईत बसायचं का दिल्लीत बसायचं, साहेब म्हणले कुठेही आज जर बसायचं। काँग्रेसने शरद पवार को कहा की आपके साथ बात करनी है, कहां बैठना है, दिल्ली बैठना है, मुंबई बैठना है, सगळ्यांची मीटिंग शरद पवार जी ने कहा आप जहां कहो वहां बैठ लेंगे। अच्छे दिवस मैं बसू असं साहेबांनी त्यांना सांगितलं, और उन्होंने कहा कि मेरी भी मीटिंग है, मैं आज नहीं बैठा हूं। ठिकाणी बसायला चर्चा करायला आम्ही लोक तयार आहोत, मी आहे किंवा आमचे जयंतराव पाटील प्रांताध्यक्ष आहे। आम्हाला कुणालाही जरी एक तर पहिल्यापासून आम्ही सांगतोय आम्हाला मँडेट दिलेलं आहे विरोधी पक्षामध्ये, हम पहिले से बता रहे की हमको विरोध में बैठने का मँडेट मिला है। शिवसेना आणि भाजपचा मध्ये आपसामध्ये काही चर्चेमधन मार्ग निघाला नाही, म्हणून शिवसेना बीजेपी के बीच में जो खटपट हुई कोई रास्ता निकला नहीं, वो अलग हो गए। त्याच्यामध्ये आम्ही जो काही निर्णय घेणार आहे त्या निर्णयाच्या बाबतीमध्ये एकटे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने काही निर्णय घेतला तरी सरकार स्थापन होऊ शकत नाही। लेकिन हमने राष्ट्रवादी पार्टी ने अकेले ने कुछ भी निर्णय लिया तो भी सरकार बनती नहीं जब तक कांग्रेस साथ नहीं। आणि आम्ही एकत्र मिळून निर्णय घेऊ तरच त्याच्यातन काहीतरी मार्ग, यदि कांग्रेस और हमने मिलके कोई निर्णय ले लिया तो ही कुछ इसमें से सरकार निकल सकता है। ते इकडे येणं आणि त्याच्यातन चर्चा करणं म्हणजे त्यांचे पृथ्वीराज चव्हाण असतील, अशोक चव्हाण असतील, आमचे बाळासाहेब थोरात असतील किंवा विजय वडेट्टीवार असतील, आम्ही त्यांना कालपासून सांगतोय की बाबा तुम्ही इकडे या, पण ते जयपूरहून गेले दिल्लीला। आम्ही म्हणलं रात्री दिल्लीवरून निघा, आप दिल्ली मुंबई आ जाइए हमसे बात कीजिए, लेकिन वो जयपुर से दिल्ली चले गए दिसत नाही, परंतु आज ते कुठल्याही परिस्थितीत पोहोचतो म्हणले ते पोहोचले, लेकिन आज उन्होंने प्रॉमिस किया कि आज किसी भी हालत में वो मुंबई पहुंचेंगे। ऐसा ये देखो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस उन्होंने साथ साथ चुनाव लड़ा है, हम एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन होके करके कुछ भी फायदा नहीं है।
दोनों ने साथ बैठकर ही उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए और कल पूरा दिन उसके बारे में हम सब बैठे थे। हम जो भी चर्चा उनकी हाईकमांड और हमारे हाईकमांड के साथ होगी उसके बारे में जो हमें सिग्नल मिलेगा वैसा हम करेंगे। सर, ऑब्जर्वर्स को आना था, ऑब्जर्वर्स ने आने वाली जो मीटिंग थी जिसमें अहमद पटेल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने कैंसिल कर दी है, क्या ये झटका है? नहीं, कैंसिल करने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने वहां से भी चर्चा करके मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा हमारा डिसीजन है तो भी हो सकता है, या उनके स्टेट के जो भी मेन लीडर है उनके साथ उन्होंने बात की तो भी हो सकता है। उनका कहना यह है कि आप लोग डिले कर रहे हैं, आप लोगों ने 48 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम मांगा है। अरे हमने नहीं मांगा, पहले तो शिवसेना ने मांगा है, ऐसा क्यों बोलते हैं? उन्होंने शिवसेना ने मांगा है, कल हमें लेटर मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर गवर्नर साहब ने हमें लेटर दिया है कि आप हर एक एमएलए की नाम और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर और उसकी साइन ये सब करके हम उनको चाहिए। ये आज शाम तक तो हो नहीं सकता, अभी देखते हैं हम। हमारे 2 बजे जो मीटिंग की, हमारे सब एमएलए आएंगे, हमने तो बुलाया है 54 एमएलए को, तो हम उसके बारे में उनके साथ भी चर्चा करके हमारा डिसीजन लेंगे। वैसा डिसीजन कांग्रेस वालों ने भी लेना चाहिए। उसके बारे में हम कांग्रेस के साथ चर्चा करेंगे और फिर बाद में डिसीजन। शिवसेनेची भूमिका आज आता त्यांची काय चर्चा होईल, काल रात्री उशिरापर्यंत मातोश्रीवर त्यांचे बरेचसे मान्यवर एकत्र बसलेले होते आणि आज आता आम्ही काँग्रेसनी चर्चा केल्यानंतर आमच्या चर्चेतलं जे काही फलित बाहेर निघेल त्याला आधार धरून आमची दोघांची तयारी झाली की आपण आता तातडीनं त्यांच्याशी बोलायला पाहिजे। तर आम्ही कुठल्याही बाबतीमध्ये राष्ट्रपती राजवट आली किंवा गेली तरी ज्यावेळेस आमचा 145 पुढचा मॅजिक फिगर तयार होती त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी सुलभतेने होतात। परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना पुढं जर आम्हाला सगळ्यांना मिळून तिघांना मिळून सरकार राष्ट्रपती शासन लागू होने के बाद भी यदि हम मॅजिक फिगर पे पोहोचते तो तब भी हम कुछ कर सकते हैं। आता ह्या सगळ्यांच्या मध्ये निर्णय झाला पाहिजे की बाबा पुढचं काय राहणार, सरकार कशा पद्धतीने राहणार, आपको ये भी निर्णय लेना है कि सरकार कैसी बनेगी, सरकार रहेगी कैसे, काम कैसे करेगी, बऱ्याचशा गोष्टी असतात। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। काँग्रेस कडून मधीच बातम्या येतात, काँग्रेस बाहेरून पाठिंबा देणं, मधीच बातम्या येतात की काँग्रेस बीच में सहभागी होणार, काँग्रेस अंदर से समर्थन करेगी, कभी बाहर से समर्थन करेगी। पाहिजे असेल तर तिघांनी पण एकत्रपणे सहभागी होऊनच गवर्नमेंट चालू शकतं। यदि सरकार चलाना हो तो शिवसेना, काँग्रेस, एनसीपी तीनों को मिलके ही सरकार चलानी होगी, साथ में बैठकर सरकार चलानी होगी। किंवा आज राज्यावर जी शेतकऱ्यांच्या संदर्भातली परिस्थिती निर्माण, शेतकऱ्यांची परिस्थिती निर्माण झाली त्याला कशा पद्धतीने मार्ग काढायचा, त्याला काय उत्तर, किसानों की समस्या आहे, राज्य की अन्य समस्या आहे, उसके रास्ते कैसे निकालने, उनका समाधान कैसा देखना है, इसके बारे में चर्चा करनी होगी। त्या पद्धतीने चालतो म्हणून 15 वर्ष आम्ही सरकार चालवलं, परंतु आता शिवसेना बरोबर कधीच काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी 15 साल साथ में सरकार चलाई, हमें वो प्रॉब्लेम नहीं है, लेकिन शिवसेना यदि पहली बार हमारे साथ आ रही है तो हमें उनके साथ चर्चा करायचा म्हटलं तर अनेक प्रश्न आहेत, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर, बहुत सारे सवाल है महाराष्ट्र में, उन हर सवालों के बारे में चर्चा करनी होगी। उद्या लोक पण आम्हाला प्रश्न विचारतील, पत्रकार यांना त्यांनी तुम्ही पण काही प्रश्न विचाराल, आमचे मतदार पण आम्हाला प्रश्न विचारतील, सवाल लोग पूछेंगे, जर्नलिस्ट पूछेंगे, पत्रकार पूछेंगे, हमें हमारे मतदाता पूछेंगे। राष्ट्रवादीने विचार करून चालणार नाही, त्याच्या करता तो लोग पूछेंगे की आपने कैसा सोचा, कैसा किया। काँग्रेसच्या बरोबर ह्या गोष्टीची चर्चा अद्यापर्यंत झाली नाही, ते जयपूर आणि दिल्ली मध्ये असल्यामुळे, जयपूर और दिल्ली में कांग्रेस के लोग होने की वजह से कांग्रेस के साथ कोई खुल के हमारी अभी तक बात नहीं। बऱ्याच अंशी एक वाक्यता झाली, तर मग पुढचे काय गोष्टी करायचे ते काँग्रेस और हम यदि कई मसलों पे एक ठरून तो निर्णय की बात कर सकते हैं। हम साथ साथ अगर उनके साथ बात की और हमारा डिसीजन एक हुआ तो बाकी का सवाल ही नहीं होगा। दोघांनी एकत्रपणे चर्चा करून आमच्या चर्चेतनं जे फलित निष्पन्न होईल त्या पद्धतीने पुढच्या गोष्टी। थँक्यू।
आगे क्या रणनीति तय होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, अजीत पवार को आप सुन रहे थे। एनसीपी के नेता अजीत पवार मीडिया के सामने आए, एनसीपी ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया है। महाराष्ट्र में जो अब तक सरकार नहीं बन पाई, कल जिस तरीके से शिवसेना अपना दावा पेश नहीं कर पाई, इसके लिए एनसीपी ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़।